हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची में क्रिमिनल्स बेकाबू और हुकूमत बेबस है। दिन दिहाड़े पहले सिर्फ मोबाइल छीनते थे, अब बच्चे भी अगवा हो रहे हैं। पुलिस बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन शहरियों का एतमाद बहाल नहीं कर पा रही। आसिफ जरदारी और ताहिरुल कादरी की मुलाकात के बाद कबल अज़ वक्त इंतखाबात का माहौल बन रहा है। हुकूमत मुश्किल में है लेकिन पीपल्स पार्टी भी उतनी मुस्तहकम नहीं, अपने अंदर नजरियाती तफरीक का शिकार है। भारतीय इश्तियाल के जवाब में पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली की एक और मिसाल कायम कर दी। कुलभूषण की मां और बीवी को मुलाकात की इजाजत दे दी। भारतीय जासूस को इंसानी बुनियादों पर अहले खाना से मिलवाया जा रहा है। और इज्जत खामोशी में नहीं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में है। खवातीन जो जिंसी ज्यादतियों के खिलाफ उठी और मिसाल बन गईं, टाइम्स मैगजीन ने उन्हें अपने सरवर की जीनत बना दिया। आलमी जरीदे का सालाना एडिशन सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ताकतवर तहरीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। कराची में 2013 के ऑपरेशन के बाद अमन तो लौट आया लेकिन शहरियों के चेहरों पर इत्मीनान वापस नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह यहां बढ़ता क्राइम है। और अब तो नौबत यहां तक आ पहुंची है कि जानो माल तो क्या बच्चे भी महफूज नहीं। दिन दहाड़े बच्चे को अगवा किया जाता है, तावान की वसूली होती है और अगवाकार साफ बचकर निकल जाते हैं। इस तरह का एक वाकया हाल ही में डिफेंस में पेश आया जिसने शहर में एक खौफ की लहर पैदा की। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने बिला खौफ गाड़ी को रोका, माँ से 5 साल का बच्चा छीना, जिसके बाद बच्चे की रिहाई के लिए 15 करोड़ का तावान का मुतालबा भी किया गया लेकिन 3 लाख रुपए पर बात तय हुई। और अब सूरत हाल यह है कि बच्चा तो बाहिफाजत, खुदा का शुक्र है कि घर पहुंच चुका है। उसे अगवाकारों ने पैसे लेने के बाद छोड़ा और इस पूरे मामले में क्योंकि कोई अगवाकार नहीं पकड़ा गया और तावान की जो रकम है वो भी अदा की गई, तो फिर पुलिस ने कार्रवाई की क्या है और जो मामला है खासा उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चा तो घर आ गया है लेकिन उसके वालदैन ज़ाहिर है उनका एतमाद किस तरह से वापस आएगा। कल को सड़क पर निकलते हुए क्या कोई शहरी अपने आप को महफूज समझेगा, अपने बच्चों को महफूज समझेगा, तो ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि कराची में जो क्राइम रेट है वो काबू होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस साल जनवरी से अब तक कराची में जो जराइम की फहरिस्त है वो खासी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं फिर इस पर बात करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू ही नहीं बेखौफ भी हो गए हैं। इस साल जनवरी से नवंबर के दौरान कई वारदातें की। सीपीएलसी ने 11 माह की रिपोर्ट जारी कर दी। शहर में 1330 गाड़ियां चोरी और छीन ली गईं। 24,154 अफराद को मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिया गया। जनवरी से नवंबर तक 28,089 अफराद मोबाइल फोन से हाथ धो बैठे। अगवा बराए तावान की 11 वारदातें हुई। पत्ताखोरी के भी 61 केसेस रिपोर्ट हुए और इस अरसे में 8 बैंकों का भी सफाया किया गया, जबकि फायरिंग के वाकयात में 361 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। जी तो रिपोर्ट आपने देखी, कराची में बढ़ता हुआ क्राइम रेट, इससे खुद सिंध हुकूमत भी परेशान है। गुज़िश्ता माह एपेक्स कमेटी के इजलास में स्ट्रीट क्राइम्स पर तशवीश का इजहार भी किया जा चुका है और इसकी रोकथाम के लिए बड़े फैसले भी किए गए। बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन करने और कराची सेफ सिटी मंसूबे के लिए निगरान कमेटी बनाने का फैसला भी हुआ। स्ट्रीट क्राइम्स के जो मुकदमात हैं उन्हें अलग अदालतों की तजवीज़ भी दी गई लेकिन अमली तौर पर इसमें किसी एक नुक्ते पर भी अमल नहीं हुआ है। यही बड़ी वजह है कि स्ट्रीट क्राइम से परेशान शहरियों ने फिर मदद के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध, तमाम डीआईजी, सीपीएलसी चीफ, डीजी रेंजर्स को नोटिस जारी किया और चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी दाखिला दीगर को भी 10 जनवरी तक तहरीरी जवाब उनसे मांगा है। तो ये जो सारी सूरत हाल बन रही है कराची के अंदर, स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल है क्या और किस तरह से इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीपीएलसी के चीफ
ज़ुबैर हबीब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप इतने मुश्किल वक्त में वक्त निकाल कर यहाँ पर पहुँचे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का बढ़ना या दीगर जो जराइम हैं ये होना तश्वीशनाक तो है, लेकिन एक माँ से एक 5 साल का बच्चा सड़क के ऊपर छीन लिया जाए, इससे बढ़कर दहशत कुछ हो नहीं सकती। ये वाक़या हुआ कैसे और इस पर इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? बच्चे को छुड़वाया गया, बच्चे के लिए तावान अदा किया गया, या अगवागारों ने खुद छोड़कर वो चले गए? इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? देखिए, आपकी बात अजय बिल्कुल सही है कि ये ज़ाहिर है कि बच्चा अगवा हो जाए, ये बड़ी तश्वीशनाक बात है। और वाक़या ये था कि बच्चा जो है स्कूल से वापस आ रहा था अपनी माँ के साथ जी, और उनकी गाड़ी को रोका गया और जो अगवाकार थे वो भी गाड़ी में ही थे, ठीक है। उन्होंने पहले रोक के उनकी वालदा की जो बैग था, टेलीफोन था, वो लिए और दूसरी तरफ बच्चे को अपनी गाड़ी में उन्होंने बिठा लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाक़या पेश आया तकरीबन 1 बजे डिफेंस में, जब स्कूल से बच्चा वापस आ रहा था जी। और जैसे ही ये वाक़या हुआ हमें इसकी इतला फौरी मिली, और क्योंकि कुछ लोगों ने देखा था इस वाक़े को, उन्होंने फौरन रिपोर्ट किया। और मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है कि शहरी जो है वो ऐसी चीज़ों को फौरन रिपोर्ट करते हैं, और हमने भी अपना सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि बड़ी आसानी से लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हुए लोगों से इल्तिजा करूँगा कि हमारी हेल्पलाइन जो है वो 1102 है और पुलिस की जो इमरजेंसी है वो 15 है। तो जब भी ऐसा कोई वाकया हो तो वो फौरन पुलिस को पहले इतला दें 15 पे, और फिर 1102 पे CPLC को इतला दें, तो बर वक्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, जो किडनैपिंग का जो केस होता है आप समझ सकती हैं कि जिसको हम हीनियस क्राइम कहते हैं, हसास लफ्जी तर्जुमा शायद मुझे ना पता हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा हसास केस कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप उसकी सज़ा जो है उसकी सज़ा मौत है, तो इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं होता कि आप एक इंसानी जान को अगवा कर ले और फिर उसके लिए तावान मांगे। तो कानून ने भी इस जुर्म को जिस नज़र से देखते हैं कि इसकी सज़ा मौत है, तो जब इस तरह का केस होता है और खुसूसन जब बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो तो केस की नौइयत बदल जाती है। आपने देखा होगा कि 2013 में 175 केसेस हुए थे कराची में अगवा बराए तावान के, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये भी देखा कि इसी शहर में 2 या 3 सालों में गुज़िश्ता साल शायद 15 या 16 केस हुए थे, और इस साल हम अभी सिंगल डिजिट्स में हैं या 10-11 केसेस हुए। बिल्कुल, तो अब पिछले सालों की बनिस्बत तो बहुत फ़र्क है। हम इसीलिए मैंने इसीलिए बात की शुरुआत ये कि अमन आया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो वाकया हुआ इसमें हुआ क्या है? क्या बच्चे को छुड़वाया गया या बच्चे को खुद अगवाकार छोड़कर चले गए? क्योंकि पुलिस कुछ कह रही है, जो दूसरे इदारे हैं वो कुछ और कह रहे हैं, तो आप अगर इसको सही से वजाहत के साथ बता सकें। बिल्कुल, आपको उसकी वजाहत भी करता हूँ। देखें, जब इस बच्चे की कॉल आई, रैंसम की कॉल आई और एक बहुत बड़ी रकम की कॉल आई, तो उस वक्त से नेगोशिएशन शुरू हो जाती है, ठीक है। और क्योंकि ये बच्चा था तो उसमें एक चीज़ जो वो होती है कि उसको फिल फॉर लाना है। नॉर्मल जो केस होता है किडनैपिंग का, उसमें 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, नेगोशिएशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बच्चा क्योंकि छोटा, कम उम्र का था, 5 साल का बच्चा था, तो आप ये कभी भी चांस नहीं ले सकते कि वो उस ड्रामा से गुजरे। शायद उसको फिज़िकली कोई हार्म ना पहुंचाए, लेकिन आप सोच सकती हैं कि अगर एक बच्चा अगर रात को अपने माँ बाप के साथ रात ना गुजारे तो उसके साथ क्या बीती होगी, ठीक है। तो मकसद ये था कि उसको जल्द से जल्द लाना था, और ज़ाहिर है कि हम जो भी कार्रवाई करते हैं उसमें जो उनके माँ बाप होते हैं, जो लवाहिकीन होते हैं, उनकी इजाज़त से ये सारी चीज़ की जाती है। तो इसको भी मद्देनज़र रखना होता है कि ये हम कोई आइसोलेशन में काम नहीं करते, क्योंकि उनका बच्चा है और उसमें बड़े रिस्क होते हैं। तो जब इसको रिस्क को असेस किया गया, तो उस वक्त जब नेगोशिएशन, उनके वालिद ने ही नेगोशिएशन की, ठीक। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ आप ये सोचें जो क्रिमिनल है उसको भी ये मालूम है कि गुज़िश्ता 2-3 सालों में जब से कराची ऑपरेशन शुरू हुआ है तो जो
गैंग्स थे, जो बड़े बड़े गैंग्स थे किडनैपर्स के, उनको पकड़ के कैफे किरदार तक पहुंचाया गया। उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई, क्योंकि तो खौफ तो है, लेकिन देखिए उसमें भी खौफ है, क्रिमिनल भी तो है ना। क्वेश्चन वही है कि मुझे अगर आप ये बता देना कि हुआ क्या था, लाइक तावान देने के बाद और बच्चे को रिलीज कर दिया गया और उसके बाद फिर ये हुआ है कि अब उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई वो की जा रही है, ताकि मैं अगले सवाल पर आऊं। जी बिल्कुल सही है कि जब नेगोशिएशन हुई, और क्योंकि क्रिमिनल भी बड़ा नर्वस होता है, बड़ी जल्दी होती है उसे, और जब वो एक ऐसे तावान पे आ गए कि जो बड़ा इजीली पेएबल हो, तो उस वक्त डिसाइड यही किया गया कि इसको अभी फिल फॉर पे करके बच्चा जब वापस आए, तो जाहिर है कि वो इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, ठीक है ना। देखिए जो सबसे अहम चीज़ होती है, और मैं ये इल्तिजा करता हूँ लोगों से कि अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि अगर ये मेरा बच्चा होता पहले बच्चा चाहिए, उसके बाद जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती है। और हमारी हमेशा कोशिश यही होती है, क्योंकि बच्चा तो आ गया अपने घर पे, अब जो अगला स्टेप है वो क्या है। लेकिन देखिए जिस तरह की बातें होती है, उसको भी जरा, जो मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि ये केस बड़े हसास होते हैं, उसको इतना रिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए किडनैपर्स भी देख रहे हैं। लेकिन तो अब जब कार्रवाई हो रही होती ना, तो उस वक्त नहीं रिले करना चाहिए, उसको रोकना जिस चाहिए। जिस वक्त कार्रवाई हो रही थी तो उस वक्त तो ये था कि पहली प्रायोरिटी तो ये थी कि बच्चा बाहिफाजत आ जाए, अल्लाह का शुक्र है वो अपने घर पर है। अब जो अगला सवाल है वो ये है कि अगर वो क्रिमिनल्स खुलेआम फिर रहे हैं तो वो तो किसी और को भी उठा सकते हैं, तो उनके खिलाफ क्या हो रहा है जी? आप सोचे कि ये जो मैंने आपको बताया कि 2013 में 175 केसेस हुए और 2016 में 15 केसेस हुए, तो आप क्या समझते हैं वे क्यों हुए? जाहिर है कि ये जो क्रिमिनल्स थे उनको पकड़ा गया और इन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाया गया। तो ये कोई नया ग्रुप तो नहीं है, ये कोई फैमिली होता है कि किसी दुश्मनी की बुनियाद पर उठा लिया जाता है, या फिर ये कोई ऐसा बाकायदा मुनज्जम ग्रोह है जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है? देखिए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए जब से बच्चा आया है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा 12 घंटे से कम मियाद में घर आ गया, ये अल्लाह का बहुत शुक्र है। ठीक है, जाहिर है कि देखिए इस पे इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारी सारी जो टीमें हैं, सीपीएलसी की टीम है, पुलिस की टीम है, और रेंजर्स की टीम, वो इस वक्त काम कर रही है। जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम इसकी मजीद डिटेल्स में नहीं जाते, हम आगे होकर बात करते हैं। अब कराची भर में जो इस वक्त क्राइम की सूरत हाल है, आपने देखी, आपकी अपनी जो रिपोर्ट है वो भी मैंने दिखाई। अब इससे मुतालिक सिंध हाई कोर्ट ने आप लोगों को बुलाया और 10 जनवरी तक आप लोगों ने जवाब देना है, क्या तैयारी है, किस तरह से जवाब दिया जाएगा सिंध हाई कोर्ट को? देखिए दो तीन चीज़ें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से किडनैपिंग फॉर रैंसम और एक्सटॉर्शन में बड़ी नुमाया कमी आई है, तो जो गाड़ियों की चोरी है उसमें भी बड़ी नुमाया कमी आई है। आप समझ लें कि जो क्राइम होता था अब सिर्फ 20% रह गया है, 80% कम हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा डेंट है क्राइम के अंदर, कि अगर 100 गाड़ियां चोरी हो रही थी तो आज 20 हो रही हैं। और देखिए आप सिर्फ है ना, हम कोई आइसोलेशन में नहीं रहते दुनिया में, हमें जो है ना मुवाजना करना चाहिए कि जो हमारे अतराफ में जो ममालिक हैं उनमें क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगी तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको बड़ी हैरत होगी कि दिल्ली में गुज़िश्ता साल जो है वो तकरीबन 14,000 गाड़ियाँ चोरी हुई, और दिल्ली की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा नहीं है। लंदन जैसे शहर में भी 8,000 गाड़ियाँ चोरी हुई, और आप देखें कि हमारे कराची में जो है वो 221 गाड़ियाँ स्नैच हुई हैं और 1500 गाड़ियाँ थेफ्ट हुई, तो तकरीबन ये आप समझ लें कि 1700 गाड़ियाँ हैं। लेकिन जब शहरी अपने जान और माल की हिफाजत चाहते हैं तो वो ये इस किस्म का कंपैरिजन नहीं चाहते, उनको तो होता है कि हमारा जो शहर है उसके अंदर हालात बेहतर हैं। देखिए अगर आप अगर कराची को देखेंगे ना, अगर मुवाजना करेंगे तो कराची जिस तरह से कोई रिपोर्ट आई थी कि जी अपना मोस्ट डेंजरस सिटी है, हम बहुत दूर है उससे, बहुत दूर है। क्योंकि देखिए ये मेरा काम है, मैं ये हमेशा देखता रहता हूँ, और मेरे पास बड़ी स्टैटिस्टिक्स हैं, किसी दिन आप फुर्सत से आइएगा तो मैं उस पे आपको तफसील भी दूंगा। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर हबीब साहब के आप तशरीफ लाए, और ये इंतहाई सेंसिटिव मामला जिस पर लोग बड़े खौफ हिरास का शिकार थे, जो क्लैरिटी चाहिए थी वो मिली, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ुबैर हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कराची के अंदर इस तरह की जो ये वारदातें हो रही हैं, इस पर सिंध हुकूमत को भी फौरी तौर पर जो भी इकदाम हो सकते हैं, जो हेल्प चाहिए CPLC को, CIA को, और जितने कानून नाफिज़ करने वाले इदारे हैं उनको वो पूरी हेल्प प्रोवाइड की जाए, ताकि कराची के जो शहरी हैं वो सुकून का सांस ले सके। एक ब्रेक लेती हूं, और इस ब्रेक के बाद कुछ और स्टोरीज हैं, उन पर बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ आर विद नाजिया।
इसलिए शहबाज शरीफ का इस्तीफा चाहते हैं, जिसकी अब पीपल्स पार्टी हिमायत कर रही है। लेकिन सानिया मॉडल टाउन की आड़ में कबल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबे से साफ ये जाहिर है कि कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। ये जो इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद के अजाइम जज्बाती कम और सियासी ज़्यादा हैं। और आसिफ अली जरदारी ने कबल अज़ वक्त हुकूमत गिराने की बात पहली बार नहीं की। इसी हफ्ते इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के जलसे के दौरान इस बात का ऐलान भी किया गया। उन्होंने इस्लामाबाद जलसे में क्या कहा था और कल फिर उनका क्या मौकिफ था, पहले ये सुनिए। अम्फान की जमहूरियत बचाइए। एक दफा जब ये जाली मैंडेट लेके आए, दूसरी दफा जब इनको जाली खान ने चैलेंज किया था, मगर अब हम इनकी जमहूरियत नहीं बनाएंगे, नहीं बचाएंगे, हम अपनी जमहूरियत लाएंगे, लाएंगे, लाएंगे। इनफ इज इनफ। नवाज शरीफ ब्रदर शहबाज ऑल्सो हैज टू रिजाइन कि अब हम शहबाज को नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम इनके साथ स्ट्रगल करेंगे, हम लड़ेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, ये सुनो शहबाज शरीफ, हम लड़ेंगे। तो सड़कों पर निकलने का और लड़ने का ऐलान हुआ है। जरदारी साहब को आपने सुना, उनके जो अजाइम हैं साफ हैं कि वो वक्त से पहले इंतखाबात कराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ये बात भी अहम है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा बिलावल भुट्टो जरदारी की गैर मौजूदगी में किया गया है। ऐसे हालात में हुआ है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई चले गए, क्योंकि आम तासुर यही है कि बिलावल के जो ख्यालात हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। उन्होंने अब तक जितनी भी तकरीरें की हैं वो हमेशा अपनी वालदा और नाना के नज़रियात के हामी दिखाई दिए हैं। नज़रियाती सियासत के हक़ में हैं और जमहूरियत इकदार की पासदारी चाहते हैं, और इसका जिक्र उन्होंने इस्लामाबाद जलसे में अपने वालिद के बाद तकरीर में किया था। बिलावल ने क्या कहा था ये भी सुनिए। हम समझते हैं कि जमहूरियत ही इस मुल्क को मुत्तहिद रख सकती है। जमहूरियत के बगैर ना ये मुल्क आगे बढ़ सकता है और ना ही वफाक कायम रह सकता है। इस मुल्क की असल ताकत इस मुल्क की अवाम है, अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। तो बाप और बेटे के ख्यालात में जो फ़र्क है वो साफ नज़र आ रहा है, और ये फ़र्क इस वक्त पार्टी में भी तफरीक की वजह बना है। दो मुख्तलिफ सोचें हैं, दो मुख्तलिफ ख्यालात हैं। डॉक्टर आसिम की पीपल्स पार्टी से रुख्सत, एक वाज़ह सबूत इसका नज़र आया जिस तरह से उनको हटाकर सईद गनी को पीपल्स पार्टी सिंध का सदर बनाया गया। फिर डॉक्टर आसिम का अपना बयान कि वो जरदारी साहब की दोस्ती को इम्तहान में डालना नहीं चाहते, इससे वाजह है कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी दो नज़रियात के बीच फंसी हुई दिखाई देती है। ये जो नज़रियाती इख्तलाफात हैं पार्टी के लिए कितने मुफीद या मुज़र हो सकते हैं, और आया ये ऐसे नज़रियात मौजूद हैं भी या नहीं है, या सिर्फ ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, इस पर हमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्शांडियो साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मौला बख्शांडियो साहब आपका। आसिफ अली जरदारी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर ताहिर कादरी से मुलाकात की है, एक इत्तेहाद सामने आया है। सानिया मॉडल टाउन के जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए दोनों ने साथ सड़कों पर निकलने का और फिर इस्तीफे तक पर राज़ी कर लिया जरदारी साहब को। पीपल्स पार्टी का मौकिफ तो तब्दील हुआ है, कबल अज़ वक्त इंतखाबात का जहन बना लिया गया है, कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हक में हैं। हमने कबल अज़ वक्त उनके जाने की बात नहीं की, हमने कहा है मुद्दत पूरी करें, जमहूरियत अपने तसलसल के साथ आए, लेकिन वक्त से पहले जाना आइनी और जमहूरी तरीके से है, होता है। कई हुक्मरान अपने असम्बलियाँ डिज़ोल्व करते हैं, वक्त से पहले इंतखाबात कराते हैं, लेकिन हमने ऐसी कोई बात की नहीं है, और न हम ऐसे किसी बात मनसूबे का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें कोई गैर आइनी या गैर जमहूरी बात बन जाए। इंतखाबात में जब से हमारी पार्टी आई है, हम हुकूमत में हो या अपोजिशन में, हम सियासी जदोजहद करते रहे, और इस सियासी जदोजहद की बदौलत हम हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार हैं। जब भी इंतखाबात करेंगे, यानी आप कह रहे हैं कि आईनी तौर पर हुकूमत जाए तो जाए। पीपल्स पार्टी तो कादरी साहब के साथ मिलकर बैठी है, लेकिन सिंध में आपके खिलाफ डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी जन्म लिया है, सिंध की जो तमाम जमातें वो भी इकट्ठी हो रही हैं, और इम्कान तो ये भी है कि मुशरफ साहब शायद आएँ, वो क़यादत करें, और कराची के जो मुत्तहिदा के तमाम धड़ें हैं ये भी मुत्तहिद, इनको भी करने की कोशिश है। सिंध की जो कौम परस्त जमातें हैं वो भी चल रहे हैं, तो आप विफाक में जाकर तो कर रहे हैं काम, लेकिन सिंध की तरफ देखा है मसला बन सकता है पीपल्स पार्टी के लिए? देखें, जब भी इलेक्शन आती है तो सिंध में ये गिरान अलायंस क्या कह रहे हो वो बनता रहा है, और कमाल की बात यह है कि वो उस अलायंस के फिर इलेक्शन के बाद उस अलायंस के भी कई रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं जो कहते थे हम पीपल्स पार्टी का मुतबादल बनने आए। अभी इंतखाब आने वाले चंद महीनों की बात है, तो ये ऐसे अलायंस तो बनना कुदरती बात है, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। पहले उन्होंने क्या कर लिया अब वो करेंगे। अगर हमें कोई गलतियाँ नहीं है,
तो हमें कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर हमने कोई अवाम से दुश्मनी की हो, लेकिन चांडियो साहब आप इसको कुदरती अलायंस कह रहे, कुदरती अलायंस तो नहीं, जाहिर है कोई ना कोई फोर्स होती है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के पीछे भी, कोई ना कोई तो सपोर्ट है। मेरी मुराद है खास मौसम में खास मनाजिर नजर आना, इल्तिक़ा है कुदरती की बात कहेंगे कि वो तयशुदा उसूल के वो रही है, अब ऐसे वो होते हैं। लेकिन ऐसे अलायंस से हम परेशान नहीं है। भुट्टो साहब के मुकाबले में सारे चौगादरी जमा हो गए थे पब्लिक ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत से क्या फैसला, बीबी के सामने क्या हुआ, फिर अभी भी ऐसा है, बार बार होते रहे, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। कौम परस्त अपने मंशूर पे चल रहे हैं, आवाम ने उनको जो वापसी दी है उसमें अक्सर तो आजमाए हुए हैं, दो दो बार वो वजीर आला बन चुके हैं, उन्होंने कौन से ताज पहनाए सिंध को, जहां तक तल्लुक है मुशरफ साहब उनके साथ जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कमाल हो जाएगा कि सिंध के कौम परस्तों की क्यादत जनरल मुशरफ करेंगे, वाह ये तो पूरा सिंध इसका इंतजार करेगा इस मंजर का कि आगे आगे मुशरफ हो और पीछे पीछे कौम परस्त रहनुमा हो। मुशरफ क्या कर लेंगे, भाग गए अदालत से, भाग गए जेल से, भाग गए, जाना था कोर्ट में चले गए हॉस्पिटल में, कौन सी बात है। बताते पीपल्स पार्टी क्या करेगी, दूसरा सवाल अच्छा कोई पूछे। जी 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 पीपल्स पार्टी तो अब पहले सिर्फ मुलाकात की बातें हो रही थी, फिर बिलावल और मरियम नवाज की मुलाकातों की भी खबरें आती रही हैं, लेकिन मुलाकात बहरहाल आसिफ अली जरदारी और तारुल कादरी साहब की हो गई, बिलावल बैरूने मुल्क चले गए। तो अब मुस्तकबिल में नून लीग्स की क्यादत से अगर मुफाहमत की बात होती है तो फैसला कौन करेगा, मुलाकात कौन करेगा, आसिफ अली जरदारी साहब लीड करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी लीड करेंगे, किस क्या मुफाहमत के कोई इम्कान हैं मुस्तकबिल में। मुस्तकबिल के हालात का तो अल्लाह रब्बिल आलमीन को पता है, मैं नहीं जानता, लेकिन लेकिन सियासत में हालात देखकर तजिया किया जा सकता है। मेरे ख्याल में नून लीग की नई क्यादत जो अगर आई तो वो भी नौजवान है, उन्होंने फील्ड में कदम रखा है और कम से कम बहुत सारे सीनियर लोगों से ज़रा तेज़ कदमी और बहादुरी का मुजाहरा करती, जहाँ जब तल्लुक है मेरे कायद का वो भुट्टो के वारिस हैं, वो बीबी के वारिस हैं, उनके सामने उनके वालिद की जो तदब्बर और तजुर्बा है वो उनके सामने है, उन्होंने काफ़ी अरसे से मनवा लिया है दुनिया को और पाकिस्तान के इनके मुखालफिन सियासदानों को मनवा लिया है कि बिलावल साहब हैं कायदा न सलाहियत तुम मौजूद हैं और वो अब हमारे चेयरमैन हैं, अगर वो जमहूरियत की बेहतरी के लिए लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए कोई बेहतर तब्दीली सियासत में लाते हैं। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी को मानेंगे। अब बिलावल भुट्टो जरदारी जाहिर है नौजवान है, पार्टी के चेयरमैन भी हैं और साबिक आसिफ अली जरदारी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी की जो सारी जिम्मेदारियां हैं उनको दी हुई हैं, बिलावल की क्यादत में पार्टी मुत्तहिद तो है, अब जो उनके फैसले हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत और लीडरशिप उनको लेती कैसे, क्योंकि जाहिर है वो बड़े एक्टिव तो हैं, वो खास तौर पर सिंध के जो इंतजामी मामलात हैं उसमें सरगर्म भी पहले से ज्यादा रहे हैं, उनका जो मैसेज होता है वो किस तरह से जाता है। आपको पता नहीं क्यों तजुब लगा है कि वो ज़्यादा सरगर्म है या वो एक्टिव नजर आ रहे हैं आपको पार्टी हुकूमती मामलात में हैं, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं जी, और इस हैसियत में पार्टी के सारे मामलात देखते, न सिर्फ पार्टी के देखते लेकिन अगर उनकी पार्टी की जहाँ हुकूमत होगी वहाँ की भी नज़रदारी कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को देख सकते हैं, वो अवामी भलाई के मामलात में बोलते हैं, उसके लिए हिदायत भी देते हैं पार्टी को और हुकूमत उनकी मशावरत से काम करती है, तो उसमें तजुब की बात नहीं है। मेरा अपना ख्याल है बिलावल साहब की बात को फैसले को सारी पार्टी सीरियस लेती है, ठीक है, और उनके हुक्म की बजावरी मशावरत के साथ जो वो करते हैं फैसला उनके हुक्म की बजावरी पार्टी कारकुन का और बिल्कुल मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो हिदायत दी जाती है बिलावल की हिदायत पर अमल दरामद कितना हो रहा है, गवर्नेंस में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं आपको। मेरे ख्याल में आप देखेंगे कई कराची की बेहतरी के कई मंसूबे वक्त पर मुकम्मल हुए हैं और बिलावल साहब ने उनका इफ्तिताह भी किया है, अभी तकरीबन डेवलपमेंट के हवाले से भी ये देखा, लेकिन मुझे जो जाती तजुर्बा है हैदराबाद की हालात बड़े डेवलपमेंट के हवाले से बड़े बेसुरे से हो गए थे, लेकिन चेयरमैन साहब ने मीटिंग की और मामला उठाए और अब हैदराबाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरे शहर को आप देख सकती हैं, बड़ी तब्दीली आई है, ये सिंध हुकूमत का कारनामा है,
लेकिन उसकी जो सरपरस्ती हिदायत है वो मेरे चेयरमैन की। ठीक है, लेकिन आम तासुर यह है कि पीपल्स पार्टी में दो तरह के ख्यालात पाए जाते हैं, सोच में फ़र्क है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो सोच है, भुट्टो साहब और बीबी के जो नज़रियात हैं उससे मुतालिक है। सदर दूसरी तरफ जो जरदारी साहब हैं उनकी सोच मुख्तलिफ है। तो पार्टी में इस तरह के कोई इख्तलाफात हैं, ख़ासतौर पर जो डॉक्टर आसिम को हटाकर और सईद गनी साहब को सिंध का सदर लगाया गया, तो नज़रियात की जो ये तफरीक है ये नज़र आई है, आपको लगता है कि फैसलों पर भी असरअंदाज हो रही है ये सोच और ये ख्यालात, दोनों के ख्यालात मुख्तलिफ हैं? मुझे भुट्टो साहब के ज़माने से आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी याद है और मुझे उनका सारा दौर और सियासी फैसले भी याद हैं। हमारा ऐसा कोई दौर नहीं गुजरा जिसमें मुख्तलिफ ग्रुपिंग का तस्करा ना हुआ हो जी। लेकिन जब क़यादत की बात आई वो सारे ग्रुपिंग कागजी नज़र आए, हवाई में हवा में बातें नज़र आई। अब भी ये बातें, ऐसी बातें तो बहुत सारी हैं। आप आसिफ साहब के दोस्तों के हवाले से बात करते, मियाँ साहब के हवाले से जो दोस्तों की बात है वो तो क़यामत खेज है। कितने हवाले से, कितने पैसों की बात है, कितने प्रोग्राम्स की बात है जो मियाँ साहब के दोस्तों की हैं। एक ही मियाँ मंशा साहब काफ़ी हैं। आप सर्कुलर डेट के हवाले से जो पैसे दिए गए मियाँ साहब के ज़माने से उनका तो हिसाब करते, हमारे पे तो ऐसे हवाई कागजी इल्ज़ाम लगेंगे। डॉक्टर आसिम के साथ ऐसी कोई बात हमारी तरफ से नहीं है। वो पार्टी के सदर थे, क़यादत की मंजर मुल्क से बाहर जा रहे थे, उनका मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ कितना अरसा मुझे लगेगा, उससे अच्छा है क़यादत कोई फैसला करे जी। और फिर क़यादत ने जो सईद गनी को रखा है, सईद गनी का वालिद भी पार्टी का वर्कर, एक बड़ा मशहूर मजदूर रहनुमा। सईद गनी बहुत दानिशवर किस्म के हमारे फील्ड के वर्कर हैं और बहुत दानिशमंदी के साथ काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और हालिया जो इंतखाब में वो जीते हैं वो पार्टी पर अवाम की क़यादत और उनकी मुसलसल और लगन के साथ मेहनत का नतीजा। ठीक है, लेकिन लेकिन डॉक्टर आसिम की जानिब से जो बयान दिया गया उसकी वजह से ये सारी जो जो कन्फ्यूजन है वो सामने आई। जरदारी साहब की दोस्ती को इम्तिहान में वो डालना नहीं चाहते हैं। फरियाल तालपुर और सईद गनी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उन लोगों को तकलीफ है उनसे, तो इस तरह के जो बयान आते हैं स्टेटमेंट्स आते हैं, जाहिर है। सवाल दोबारा आपकी आपकी आवाज़ राय से जी जी बीच में कट जाती है, मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि डॉक्टर आसिम ने जो बयान दिया कि जरदारी साहब की दोस्ती को वो इम्तिहान में नहीं डालना चाहते हैं, फिर फरियाल तालपुर और सईद गनी से मुतालिक उन्होंने कहा कि उन लोगों को तकलीफ है उनसे, तो जब इस तरीके से स्टेटमेंट आते हैं पार्टी के अपने लीडर्स के, तो ज़ाहिर इख्तलाफात का तो इशारा मिलता है। फिर जो दूसरी जमातें हैं ख़ासतौर पर जो आपकी मुखालिफ पार्टीज़ हैं उसको बैड गवर्नेंस की वजह बताती हैं इन इख्तलाफात को, तो कहीं ना कहीं ये मामला असरअंदाज तो हो रहे हैं, वजह तो बनते हैं। दूसरी जमातें जो है हमारी, उन्होंने कभी हमारी किसी बात को पॉजिटिव लिया ही नहीं। हमने अगर कहा चांद निकलने पर कहा कि चांद निकला है तो उन्होंने टोल टाल मटोल करके किसी और किस्म से भी बात करते हैं। हमें उनके उनकी परवाह नहीं, हमें अपनी पार्टी की परवाह है। हमारी पार्टी में कोई ऐसा तासुर नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है तो पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें किसी के साथ ताल्लुक होना, कम होना, ज़्यादा होना ये फितरी बात है। ऐसा कोई तासुर न डॉक्टर साहब के पास है न पार्टी के कारकुनों में है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब। रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद, पीपल्स पार्टी के अंदर उसकी पॉलिसी से लेकर उसके नज़रियात से लेकर जिस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं उसका कह रहे थे कि इस तरह का कोई तजाद नहीं है, किसी का मुजाहरा किया है। और ये चूँकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बैनुल अक्वामी अदालत में ये मामला भारत ने रेज किया था जी, तो उन लोगों ने कौंसुलर एक्सेस की बात की थी, तो इसलिए पाकिस्तान ने ये अब ये जेस्चर किया है। ठीक है, लेकिन सर आपने ये कहा कि जासूस के कोई राइट्स नहीं हो, कोई ह्यूमन राइट्स है, तो भारत की जानिब से मुसलसल दबाव, मुसलसल डिमांड जो की जा रही है रसाई की, तो फेयर ट्रायल नहीं है वो ये भी कहते हैं, तो ये कितना, इसको किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, यानी वो अव्वल तो वो शायद इस बात का इनकार करते हैं कि वो जासूस है जी। जो कि बिल्कुल गलत है, हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं और हमने ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी ये सबूत फराहम किए हैं। तो वो अगर हकीकत को वो की मनफी करते हैं, हकीकत को डिनाई करते हैं जी, तो वो तो अब उसका कोई जवाब नहीं हो, क्या कहा जा सकता है। हमने तो भारत का एक मुतालबा पूरा कर दिया है, उसकी वालदा बेगम से मुलाकात तो हो रही है, एक भारतीय अफसर को भी इजाज़त दे दी है। अब अगर भारत एक कदम आगे जाकर और कौंसलर रसाई का फिर से मुतालबा करता है तो फिर हमारा मुतवक्के जवाब क्या होगा? क्या कौंसलर रसाई दी जा सकती है भारत का की ये जो डिमांड होगी, क्या इसको आप देखते हैं कि पाकिस्तान पूरा कर सकता है इसको?
काउंसलर रसाई जो होती है वो आम कैदी के लिए होती है, कोई अगर किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क के शहरी को किसी वजह से कैद कर लिया हो तो उसमें वो मुल्क जो है जिसका वो शहरी है वो ये मुतालबा कर सकता है कि काउंसलर रसाई दी जाए। मैं जब सफ़ीर था तो अक्सर ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई पाकिस्तानी किसी जगह कैद हो जाता था तो मैं काउंसलर रसाई मांगा करता था और मुझे मिल जाती थी। तो वो तो एक अपनी जगह एक पोजीशन है। ये जासूस है और हमारे पास सबूत मौजूद हैं तो ऐसे शख्स के लिए कोई काउंसलर रसाई भी नहीं होनी चाहिए। और अगर वो मुतालबा करते हैं तो वो उनके वो किसी लॉ के तहत नहीं करते हैं, क्योंकि जासूस तो बल्कि देखिए ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जासूस जब पकड़ा जाता था तो उसको गोली मार दिया करते थे। जो भी मुल्क किसी मुल्क के जासूस को पकड़ता था तो उसको ख़त्म कर देता था। तो ये तो हमने इनके साथ बहुत अच्छा एक सलूक रखा है कि हम इनको मतलब कैद में रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब, साबिक सफ़ीर हमारे हमरा। जिस किस्म की रसाई भारत मांग रहा है, कौंसलर रसाई, वो जासूसों को किसी तौर पर नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का एक मुस्बत इकदाम है। तो जाते जाते एक अहम तस्वीर आपसे शेयर करते जाएँ। तस्वीरें बोलती हैं और एक तस्वीर हज़ार अल्फाज के बराबर होती है, और बाज़ तस्वीर तो ऐसी होती हैं कि इतना गहरा असर छोड़ जाती हैं कि जो अल्फाज हैं, जज्बात हैं और कई किताबें अपने अंदर समोए हुए होती हैं। जो मंजरकशी का पस मंज़र है और जो मकसद है उसको एक लम्हे में बयान करती हैं। ऐसी एक तस्वीर टाइम्स मैगज़ीन ने अपने सालाना एडिशन में जारी की, और वैसे तो टाइम मैगज़ीन हर साल अपने सर्वर पर पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से